रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। इस समय आज इस स्टॉक में देखेंगे तो लगभग जो है 3% की तेजी दिखी है और मेरा मानना है कि 12.50 रुपीज के ऊपर एक बड़ा ट्रेंड अपर साइड आपको दिख सकता है, वो मैं टेक्निकली दिखाऊंगा। उससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहाँ कुछ न्यूज ट्रेंड होते दिख रहा है, जिसमें पहला न्यूज यहाँ देखेंगे जेपी पावर, एनबीसीसी, जेपी एसोसिएट्स, वोडाफोन, सुजलन शेयर जंप और हाई वॉल्यूम कॉमन न्यूज है। ये एक न्यूज था, हालांकि ये न्यूज भी निगेटिव ही था, लेकिन कुछ न कुछ वोडाफोन आइडिया में पक रहा है जहां इस न्यूज ऐसे न्यूज के बाद भी ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहे हैं। ये न्यूज क्या था थोड़ा इसको समझेंगे। सेटबैक फॉर टेलीकॉम कंपनी, सुप्रीम कोर्ट से लाइसेंस फी इज कैपेक्स। यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से कंपनी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे थोड़ा राहत मिला था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत को खत्म कर लिया है। इन अ सेटबैक फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर लाइक भारती एयरटेल और वोडाफोन, यहां देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड द लाइसेंस फी पेड बाय दे मोस्ट बाय 1999 शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी जो कैपेक्स करा है उसके तौर पे जो फी इसने पे करा उसको माना जाएगा। द टेलीकॉम ऑपरेटर हैड आर्ग्यूड दैट सिंस दे हैव टू पे लाइसेंस फी ईयरली इट शुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। कंपनी का कहना है कि इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें टेलीकॉम कंपनी अगर आप खोलते हैं तो एक बार आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद ईयरली जो है वो मेंटेनेंस फी जैसा कुछ अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है। यहाँ देखेंगे द एपेक्स कोर्ट ऑर्डर में लीड टू रीअसेसमेंट विच में रिजल्ट इन हायर टैक्स बर्डन ऑन द ऑपरेटर और एनालिस्ट सेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंसेस डेट अ कंपनी इनकर्स इन द इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू जनरेट रेवेन्यू। ये तो आपको भी पता होगा, द सेम इन जनरली फुल्ली डिडक्टेबल फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, बट ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बिल्कुल जो रेवेन्यू एक्सपेंड जो ये टैक्स एग्जम्प्ट नहीं हो पाएगा। ऑन अदर हैंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट दैट बेनिफिट द कंपनी फॉर मोर देन ईयर और मोर देन ईयर एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर इज नॉट अलाउड एज डिडक्टिव व्हेन कैलकुलेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, किसी भी काम को आपने किया उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे कंपनी को और बढ़ाने के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ ये न्यूज तो निगेटिव ही थी। यहाँ देखेंगे द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुड हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन टेलीकॉम इंडस्ट्री एज द हाई कोर्ट डिसीजन सीम टू प्रूव अ रीजनेबल बेसिस टू डिसाइड द डिडक्शन ऑफ द पेमेंट मेड बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर टू ऑब्टेन द टेलीकॉम लाइसेंस सेड मिहिर गांधी पार्टनर टैक्स एंड रेगुलेटर सर्विस एट बीडीओ इंडिया। तो यहाँ जो है थोड़ा निराशा सुप्रीम कोर्ट से लगा है, जो भी वोडाफोन और आइडिया हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ से कुछ ना कुछ आगे होने वाला है। यहाँ देखेंगे तो अर्लियर 12.45 रुपीज का हायर प्राइस बना था विथ हायर वॉल्यूम 27 सितंबर को, उसके बाद 10.55 रुपये तक के लो दिखे, और अगेन देखेंगे तो जो वॉल्यूम है हायर वॉल्यूम के साथ का जो स्टॉक का ट्रेंड है आज देखेंगे तो रिसेंट के जो मंथली हाई के आसपास का ट्रेंड दिख रहा है। इसके अलावे जो टेक्निकल ट्रेंड है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मंथली बेसिस पे रहा है, लेकिन अभी भी ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग इस स्टॉक के देखने को मिल रहा है। यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग मंथली बेसिस पे रही है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक देखेंगे तो पिछले 2 ईयर से आउट परफॉर्मिंग रहा है। इसके डिलीवरी को देखेंगे तो डिलीवरी इस स्टॉक में काफी बेटर दिख रहा है, और वो डिलीवरी मोर देन 30% के चार्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि जो रिसेंट जो मैक्सिमम सप्लाई था वो 12 के आसपास ही था, जिसके बाद लोअर प्राइस स्टॉक ने डबल जो है 6 के आसपास तक के लोज को छुए, और ये 12 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग के बाद जो हमारा टारगेट है वो 17 और 28 के टारगेट होंगे, और 28 का टारगेट नियर अराउंड 150% का होता है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्युमुलेट किया जा सकता है विद एसएल बिलो 8.5 रुपीज, और ये कैपेबल है 28-30 तक के लेवल्स को इजीली टच करने का, क्योंकि ऐसे नेगेटिव न्यूज के बाद भी पॉजिटिव ट्रेंड हो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जो अभी सीक्रेट है कुछ बाद में आपको रिवील होते